मेरे हस्बैंड है रिजवान अहमद, ये नो मेरी ज़िंदगी ख़राब करे, अभी कितने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करते कि नहीं मालूम। बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरी इनके इन जो कर रहे हैं वो और किसी बच्ची के साथ भी नहीं होना, मेरे साथ तो हो गया। और जैसो मेरे को पुलिस स्टेशन से हर जनों से मेरी ये अपील है कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, मेरे को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि अब मीडिया अब आवाम को दिखाना चाह रहे कि मैं ऐसा हूँ। कौन बच्चा कौन बच्ची को ख्वाहिश है मीडिया में आने का, अपने आप को बदनाम करने का? आप लोग बोलिए कौन सी बच्ची को बदनाम कर लेने का अपने आप को, ये बोलिए। इतनी शानदार शादी हुई मेरे ख़ानदान में, उनके ख़ानदान में भी मेरी शादी रिजवान की शादी शानदार हुई। एमजे पैलेस में मेरा भाई जैसे एमजे पैलेस में शादी करा, उन्होंने बोले एमजे पैलेस में करो तो हम करें शादी। 10 तोले सोना बोले दिए, 1 तोले का ब्रेसलेट चढ़ाओ बोले दूल्हे का, नहीं माँ ये रिवाज है बोले उन लोग, अच्छी बात है बोल के वो भी करे, उन लोग की ये माइंड थी डिमांड थी करे। फिर हमारे ससुरे बोले इतना फर्नीचर दे रहे सही बात है, एक्टिवा दे दो, बच्चा जैसे दुकान पे जाता, शमशाबाद आटो नगर पे दुकान है, वो भी मेरे जेठ के नाम की है, मेरे हस्बैंड की नहीं है वो, मेरे जी आटो पार्ट्स की दुकान है, शॉप है दुकान है। फिर हमारे देवर भी जाते उस पर, अरिनो भी जाते तो कभी कभार जाते, रोज़ तो नहीं जाते, रोज़ घर पे ही रहते, कभी कभार हमारे देवर ही खींच के लेके जाते उनको। आप सोना दार, गलत बेबुनियाद है, लेके आए तो उन लोग हंते बैठे थे घर में, हम आपको लेके जाओ बोल के छोड़ दिए, अच्छे से भी गए बोल रहे, फिर लेके भी गए बोल रहे, क्या कर रहे थे फिर? पूरे पीके थे शायद हमारे हस्बैंड के जैसा। आपके हस्बैंड पीते शराब पीते गांजा पीते, दो दो किस्म के गुटके खाते हमारे हस्बैंड। मेरे मम्मी को अब हर कोई शादी निभाने के वास्ते करते, तोड़ने के वास्ते कोई बच्ची आज तक नहीं चाहती। आप लोगों को मालूम है कि मैं भी बहुत कोशिश करी मेरे हस्बैंड को लेके चलने की, इतनी कोशिश की 3 महीने रही, उन्होंने 45 डेज बोल रहे। अगर उनमें ईमान है, उन्होंने उनके जैसे उनके बहनों की या फिर उनके फादर की कसम खा के बोलिए, मैं 3 महीने नहीं रही क्या उनके साथ, ये बहुत झूठ बात बोल रहे। जो उन्होंने 45 डेज रही मैं उनके साथ बोल के, उनको पैसा कौन देते शौकों के लिए जब उनके काम भी नहीं करते? जी हाँ, उनके भाई इमरान मोहम्मद इमरान अहमद बोल के है, उन्होंने महीने को महीना उनको 500 देते, उन्होंने अब उसमें उनका खर्चा निकाल लेते। फिर उन्होंने जैसे कुछ भी आज तक हमें कोई चीज़ नहीं दिलाया, उन्होंने आज तक कोई चीज़ नहीं करे, हॉस्पिटल भी नहीं लेकर जाते थे, अभी उल्टा हमारे मम्मी उन लोग को फ़ोन करके बुलाना तो आके हमारे मम्मी लेकर जाते। वो कंकर की बात हमारे ननन बोल रहे हैं, पानी भी मेरे मम्मी भेजे घर पे 10-10 लीटर के पानी, डॉक्टर बोले कंकर है पानी आप नॉर्मल मत पीजिए, फिल्टर का पानी पियो बोले तो फिल्टर का पानी नहीं बिस्लेरी का बॉटल्स मम्मी 10-10 लीटर के घर पे ला के देकर गए। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद ईजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर हजार से ज्यादा वैरायटीज के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन ना आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की, अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेजोन फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राबता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।